तो फ्रेंड्स, ये देसी इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बैंक गैंग बॉक्स चाहिए, जो कि मार्केट में आसानी से 20 से 25 का मिल जाएगा। और ये एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेना है, जो कि हमने हीट करके इसको फ्लैट कर दिया है। और इसके बाद हम लेंगे एक ऑन ऑफ स्विच, जो कि मार्केट में आसानी से आपको 10 रुपये का मिल जाएगा। और एक ले लेना है लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट की, जो कि 1200 mAh की है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा बैकअप आएगा। और एक ले लेंगे 3500 टाइप चार्जिंग सॉकेट, जो कि आपको 10 रुपये का मिल जाएगा। एक चार्जिंग मॉड्यूल ले लेंगे 4056, जो कि मार्केट में आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। और एक ले लेंगे कोब लाइट, ये 4 वोल्ट की होती है, ये भी आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। और ये थोड़ा सा वायर है, जो कि 2 से 4 रुपये का आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ले लेंगे, ये है ग्लू स्टिक, जो कि चिपकाने के काम आएगी, ये भी मार्केट में आपको 10 रुपये की पूरी मिल जाती है। चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं, इसको स्विच को इसमें लगा देते हैं। तो ये हमने स्विच इसके अंदर लगा दिया है। अब इस कॉब लाइट पर कनेक्शन करेंगे, तो ये यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, यहाँ पर वाइट वायर, और जो पॉजिटिव लिखा है वहाँ पर रेड वायर लगा देंगे। ये ग्लू स्टिक को हम हीट करके और इसको चिपकाएंगे। आप चाहें तो ग्लू गन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास ग्लू गन नहीं है और ये जल्दी भी काम करती है। तो ये हमने इसको इस तरीके से, यहाँ पर स्विच लगता है उसके पास में, चिपका दिया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे, तो इसके लिए हमें एक होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए हम चाहें तो आयरन की मदद से कर सकते हैं, और या फिर ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। तो हम आयरन की मदद से इसमें एक होल कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये हमने इसमें चार्जिंग सॉकेट फिट कर दिया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। और अब हम 4056 जो चार्जिंग मॉड्यूल है, इसको इसमें लगाएंगे। तो इसकी इनपुट पर हम इसके कनेक्शन कर देंगे प्लस और माइनस को देख के। और ये जो वायर हमारे एक्स्ट्रा हैं, इसको हम नाप तोल करके इसको काट लेंगे। तो ये हमने इसको काट लिया है, और इसके जो कनेक्शन हैं हम इसमें करेंगे। वाइट वाला वायर है वो नेगेटिव में करेंगे, और रेड वाला वायर है वो पॉजिटिव में करेंगे। तो हमने इसमें एक रेड वाला वायर एक और ले लिया है, वो हमने जोड़ा नहीं है। और ये हम बैटरी के लिए दो कनेक्शन निकाल लेंगे प्लस और माइनस के, दो तार हमने बैटरी के लिए अलग से निकाल दिए हैं। तो इसको हम काट देंगे जो एक्स्ट्रा वायर है, और इस तरीके से हम, ये देखिए ये वायर अलग से ले रखा है हमने, ये अलग ले रखा है। तो ये जो कोब लाइट वाला वायर है, इसका एक सिरा हम चटकनी में लगा देंगे, जो ऑन ऑफ स्विच है कुछ इस तरीके से। और जो एक सिरा हमने एक और इसमें कनेक्ट किया था रेड वाला, उसको चटकनी के दूसरे सिरे पर लगाएंगे, जो कि ये वाला है, इसको हम दूसरी सिरे में लगा देंगे चटकनी के। तो ये हमने इसमें कस दिया है। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब क्या है कि इसमें ये जो तार हैं, इसमें हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जो वायर जा रहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, ये 1 ohm की रेजिस्टेंस है, ये नहीं लगाएंगे तो हमारी LED ख़राब हो सकती है। तो इसमें हम बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और ये इसमें हीट सिंक चढ़ा के इसको हीट मार के चिपका देंगे। इससे क्या है, हमारी कोब लाइट आसानी से सुरक्षित हो जाएगी। तो चलिए हम इसके बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है, देखो कोब लाइट जल भी गई। तो इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं।
अब इस चार्जिंग मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से हम यहीं कोने पर चिपका देंगे, कुछ इस तरीके से। इसको कुछ इस तरीके से चिपकाना है। इसमें जो LED लाइट हैं वो बिल्कुल गैंग बॉक्स के किनारे पर आएँ, और इसको हम बीचों बीच में लगा देंगे, जिससे कि इसमें परफेक्ट काम कर रहा है ये। तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसके पीछे हम बैक कवर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको कोई अगर खुश देगा तो ये ख़राब हो सकती है, तो इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर हम एक शीशा लगा देंगे, कांच का टुकड़ा लगा देंगे, वाइट ट्रांसपेरेंट। तो इसके लिए हम एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। ये हमारे पास एक टॉर्च का गोल लाइट का टुकड़ा था, तो ये गोल कांच था, इसको हम चौकोर काट लेंगे। तो नाप तोल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमने इसको मार्किंग कर ली है, और इसको इस कांच की कटर करने वाले इससे हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये ग्लास काटने का ब्लेड कह सकते हैं इसको, ग्लास कटर कह सकते हैं, और इसको हम आसानी से इस तरीके से काट देंगे। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो जो ब्लड टेस्ट करने के लिए जो कांच के टुकड़े आते हैं वो भी आप ला सकते हैं, जो कटे हुए तैयार मिल जाते हैं, वो उसके साइज परफेक्ट आएंगे। चलिए इसको हम इसको तोड़ लिया है, और ये एकदम चौकोर कट गया है। इसको भी हम इसको यहाँ से तोड़ लेंगे। तो ये चौकोर पीस कट के तैयार हो गया है, और इसको हम ग्लू स्टिक की मदद से इस कॉब लाइट के ऊपर चिपका देंगे, जिससे कि ये हमारी कॉब लाइट प्रोटेक्ट हो जाएगी और कोई भी इसमें खुरचने का कोशिश नहीं करेगा, ख़राब नहीं होगी। तो ये हमने इस तरीके से लगा दिए, और इस पर ब्लैक कलर का टेप लगा देंगे, जिससे कि थोड़ा ये ग्लू स्टिक दिख रहा है वो दिखेगा नहीं और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके ऊपर भी हम लगा देंगे ये ब्लैक कलर का टेप कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी लाइट तैयार हो गई है। अब इसके पीछे हम इसको चिपका देंगे, जैसे कि हमने चिपका दिया है पहले से, और इसको कवर कर देंगे। तो हमने इसमें सुराख पहले से कर लिए हैं, और इसको इस तरीके से रख के, और इसमें हम ये पेच कस देंगे जो कि हमारे 150 सूत के हैं। तो ये हमने इस पे पेच कस के, और इसकी जो डिबरी है को इस तरीके से कस देते हैं। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम चार्जिंग करके चेक करेंगे ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये चार्जिंग सॉकेट में हम इस चार्जर को लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा रेड कलर की लाइट ग्लो हो रही है इसमें, ये चार्जिंग परफेक्ट हो रही है इसमें, ये हमारा चार्जिंग हो रहा है। और जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू कलर की लाइट हो जाएगी, यानी कि ये फुल चार्ज हो जाने के बाद में ये इंडिकेट करेगा कि ये चार्ज हो चुका है। तो ये देखिए, लाइट बंद करके भी दिखा देते हैं, ये हमारी चार्ज हो रही है लाइट। तो ये हमारी बनके रेडी हो गई है, चार्जिंग भी ले रही है, और ये देखिए रोशनी भी इसकी परफेक्ट है। आप आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे हम आपके लिए, और आगे भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।